हेलो बोलो, किसे नमस्ते बोलो। तो यहाँ पे मैं आलू उबाल के तैयार कर ली हूँ और यहाँ पे बनाई हूँ टमाटर उबाल के चटनी, आटा भी गूंद ली हूँ और चाय भी यहाँ पे बन गया है। सुबह के नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू पूड़ी और आलू मैंने में कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस थोड़ी सी नमक डाली हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और गरम मसाला और जीरा डाली हूँ। मिर्च नहीं डाली है क्योंकि मिर्च ज़्यादा डालूंगी ना फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे और तीखा हो जाता है ना, तो ऐसे ही लंच भी नहीं करता है आदित्य स्कूल में, ऐसे ही लेके आ जाता है, इसलिए मैं सिंपल सादा सा बना रही हूँ। और बाकी तो मैं चटनी बनाई हूँ अपने खाने के लिए, चटनी बनाई हूँ टमाटर उबाल के बनाई हूँ, टमाटर मिर्च और लहसुन जैसे मोमोज की चटनी बनती है। तो यहाँ पर नाश्ता तैयार हो गया है हमारा और अभी मैं दे रही हूँ नाश्ता करने के लिए, आदित्य पापा के साथ भी नाश्ता कर लेगा। तो गाइस ये रहा आज का सुबह का नाश्ता जो कि है आलू पूरी चाय और चटनी। हेलो बोलो, किसो नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते। चलो चलो स्कूल जा रहा है किसो, अभी खा लेना। ठीक है ठीक है, लंच कर लेना। हेलो माय टू फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने फिर से नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे। तो अभी जा रहे हैं किसी को स्कूल छोड़ने, पहुँच गए हैं हम लोग, बस पहुँचने ही वाले हैं, आ गए। चलो जाओ, ठीक है, अभी छोड़ के आ गई है स्कूल से, जा रही हूँ घर पे काम करूँगी, आने सो रही हूँ, उठाऊँगी उसको, उसको छोड़ के आई हूँ रूम पे। यहाँ पे मैं किचन की सफाई में लग गई हूँ, बर्तन वगैरह कुछ पड़ा हुआ था, नाश्ता बनाई थी वहीं बर्तन में, तुरंत खाली करके मैं धो देती हूँ जो भी बर्तन रहता है, अच्छा लगता है वैसे भी। और बर्तन साफ़ रहता है ना तो कभी भी कुछ भी बना लो, कोई आ भी जाए तो भी बना लो, टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी सफाई कर दी, पढ़ाई करोगी बाल सूखेगा तब बनाऊंगी ना मैं। तो गाइस अभी बज गया है 10 और हम नहा लिए हैं, रेडी हो गए, अन्य भी रेडी हो गई और सारे कपड़े में बाहर अभी डाल देती हूँ सूखने के लिए। चूटिया पहले नमस्ते बोले। हाँ तुझे उठ के नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। चाय गिरा था, अभी चाय गिरा होता मैं चाय रखती हूँ बनाने के लिए। और अभी जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए क्योंकि टाइम कितना भी करो ना, कितना भी जल्दी उठूँ तो टाइम वही हो जाता है, कपड़े वगैरह धो, झाड़ू पोछा, और बच्चों में भी टाइम लग जाता है, इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ये उठती है तो पता है क्या बोलती है, गोदी में ही बैठेगी, है ना, मम्मी खुद से खिला दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर इसको नहाओ धुलाओ रेडी करवाओ, है ना। तो गाइस अभी बज गया है 12 और किसू आ गया है स्कूल से, यहाँ पे जा रही है इसका हाथ पैर धुलाने। हे गाइस, तो शाम को बज रहा है अभी 6 और ज़्यादातर मैं वीडियो शाम को और सुबह में ही बनाती हूँ। अनिया अभी सो गई, इस टाइम से सोई है लेट से, और आदित्य यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। तो अभी आदित्य के पापा जी चले गए हैं ड्यूटी, वो 2 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, तो अभी 5 बजे गए हैं ड्यूटी और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ है तो जा रहे होंगे बर्तन धोने के लिए। और यहाँ पे भी गई हूँ मैं छोले, तो इसको मैं बनाऊँगी आज दोपहर में, मैं नहीं बनाई, बच्चे बोल रहे थे मम्मी खिचड़ी बना दो, तो मैंने खिचड़ी बना दिया और इस टाइम बनाऊँगी छोले रोटी और चावल। तो थोड़ी सी बर्तन है, जा रही हूँ मैं फटाफट धो लूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं प्याज भून रही हूँ और यहाँ पे है मसाले, तो अभी मैं मसाले को पीस ले रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला तैयार है और यहाँ पे प्याज भी भून गया है, तो मैं मसाले इसमें डाल दे रही हूँ और यहाँ पे टमाटर भी मैंने काट के रखा हुआ है तो वो भी डाल दे रही हूँ मैं, इसको भून लेती हूँ मैं। और यहाँ पे गूंद रही हूँ मैं आटा, तो आटा गीला हो गया यहाँ पे,
गुन्ना भी नहीं बन रहा है, पर कोई बात नहीं, जितना आटा मुलायम रहता है ना नहीं रोटी सॉफ्ट होता है, पर मैं बना लूँगी। तो पहले यहाँ पे मैं छोले डाल दी हूँ, पर पता नहीं चल रहा है छोले का, क्योंकि कुकर ना खराब हो रहा है, पता ही नहीं चलता है सीटी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दाल हो गया है, छोले गल के लग ही नहीं रहा कि इसमें छोले हैं। मटर वाले छोले मैं बना रही हूँ, पर बिल्कुल दाल की जैसे हो गया है, पर कोई बात नहीं, चावल रोटी से खा लेंगे। हे गाइस, तो हम लोग खाना खा लिए हैं, रात बहुत हो चुका है और ये भी ड्यूटी से आ गए, खाना खा लिए हैं, दवाई खा रही है, इनकी हालत देख के मेरी हालत ख़राब हो रही है, दांत में पूरा मसूड़ा वो हो गया है, कट गया है बहुत ज़्यादा, अभी दवाई लेके आए हैं, खा रहे हैं, देखते हैं कब तक ठीक होता है, क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना सारा दवाई लेके आए हैं यार, इधर आओ किसु, अरे चल बाकी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।